आए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करते हैं एक्स लिमिटेड एक्वाड 75% फाइव परसेंट ऑर्डनरी शेयर ऑन फर्स्ट जनवरी 2018, यानी yani 18 में आपने ये शेयर खरीदे दिसमराइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ टू कंपनीज फॉर द ईयर एंडिंग डिसम्बर 2020 ट्वेंटी आर एज फॉलोज या ये दोनों की अलग अलग इनकम स्टेटमेंट जो वो बनाते हैं ये वो हैं हमने इकट्ठी लिखी हैं सेल्स हैं आपकी सेवेंटी एट मिलियन की और 42 टू मिलियन की इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स में थर्टी थ्री और ट्वेंटी फोर तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका फोर्टी फाइव और एटीन इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने माइनस कर दिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेकिन इससे पहले आपका फाइनेंस एक्सपेंस भी आ सकता था जो मैंने अवॉइड किया और इसमें से टैक्स माइनस किया तो बाकी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया ये जो रिटेन प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड है जैसे मैंने कहा ये पिछले सालों का वो प्रॉफिट जो रिटेन किया हुआ है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो आ गया है रिटेन अर्निंग्स कैरिट फॉरवर्ड जो आप बैलेंस शीट्स में लेकर आए हैं अपनी अपनी इंडिविजुअल बैलेंस शीट में आपने ये रिटेन अर्निंग्स दिखाई हुई है अडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं

कि बेचने वाला वाई है तो वाई ने सेल्स बुक की और एक्स ने परचेज बुक की और अल्टीमेटली वो कॉस्ट में बुक हो गई जबकि वो जो स्टॉक आपने रखा हुआ है फिफ्टी परसेंट ऑफ गुड्स जो आपने बाई किए हैं वाई से वो अभी आपके इन्वेंट्री में है अब ये जो इन्वेंट्री है एक्स के पास इसमें प्रॉफिट शामिल है अगर तो ये बिक जाता बाहर निकल जाता फिर तो एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी लेकिन चूंकि आपकी इन्वेंटरी ओवर है और अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर होती है तो कॉस्ट अंडरस्टेट हो जाती है और प्रॉफिट बढ़ जाता है इसलिए हमें रिक्वायरमेंट है कि जी हमने ये जो प्रॉफिट इसमें शामिल है उसको किसी तरीके से एडजस्ट करना है दूसरी बात वाई लिमिटेड हैज़ प्रपोज डिविडेंट ऑफ टू हंड्रेड टू मिलियन टू इट्स ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू ट्वेंटी अच्छा अब ये प्रपोज डिविडेंट जो है यूजली रिक्वायरमेंट अब ये हो गई है कि जब तक ये पे नहीं हो जाता उसको हम बुक्स में नहीं लेते हालांकि ये लाइब्रेटी तो अभी बनती नहीं बन अगर आपने प्रपोज कर दिया है और वो अल्टीमेटली डायरेक्टर्स जो हैं उसको अप्रूव कर देंगे मीटिंग में तो भी आपकी लाइब्रेटी बन जाती है तो स्टैंडर्ड अब ये कहता है कि जी आप इसको नोट्स में तो मेंशन करें लेकिन इसकी एडजस्टमेंट ना डालें अभी लेकिन मैंने इसलिए मेंशन किया कि ये पॉइंट एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि जो प्रपोज डिविडेंट है अनलेस अनलेस वो रिकॉर्ड में तब आता है जब एनअल रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है और अप्रूव हो जाता है तो अप्रूव होगा तो रिकॉर्ड में आएगा अदरवाइज एज ए नोट्स में दिखाना पड़ेगा कि इतना डिविडेंट हमने प्रपोज किया हुआ है एट टाइम ऑफ एक्विशन वाई लिमिटेड हैज़ ए प्री एक्विशन प्रॉफिट ऑफ फाइव मिलियन अब देखें अगर उसकी पिछली शीट में देखें तो आप देखें उसके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो है सिक्सटीन मिलियन वाई का इसमें से पाँच मिलियन वो है जो प्री एक्विशन है प्री सम्राज फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड एटीन से पहले का है अब ये जो प्री एक्जिशन प्रॉफिट होता है इसमें हमारा शेयर नहीं होता है इसलिए इसकी भी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगी और फिर ये अनरियलाइज प्रॉफिट की सेल परचेज की और ये प्री एक्विजिशन की और फिर गुडविल की ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगी।